हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदी सब के जहाँ में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक है। और ये व्लॉग की स्टार्टिंग उस दिन की जब हम झांसी से लौट रहे थे और रमज़ान की चांद रात तक है, तो इस व्लॉग में बने रहिए। मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो सनी बोलता चलो उतर के फोटो क्लिक करते, और मुझे हमेशा की तरह डर लग रहा था। बिना मौसम बरसात हो रही है, और ये सिर्फ फसल के लिए नुकसान के लिए बरसात हो रही है। बस अल्लाह सब अपने बंदों पे रहम करे। पार करो पहाड़, टूटेगा तो नहीं। घर आ चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग। सारी चीजें चल रही हैं कि किचन में जो भी है वो काम पहले हो जाए, ताकि रमजान से पहले थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है, लेकिन देखते हैं। अब यहाँ आई है बेचारी पार्सल लेने इंस्टाग्राम पर, क्योंकि काफी दिनों से यहाँ एक पार्सल पड़ा हुआ था। पार्सल चले। फिर रात में फूफी आई थी हम सबसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फूफी। दोस्त की फूफी चली गई है, हम दोनों एक से लग रहे हैं। मैं भी टकला तो भी टकला। फिर उसके एक दिन बाद हम गए थे कानपुर, हमें कुछ चीजें लेनी थी, और हम अभी ले रहे हैं खजूर जो हमें राशन डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके लिए, और जो ऊपर का घर बन रहा है उसके लिए लाइट्स लेनी थी। रास्ते में चलते चलते मुझे ये नियॉन साइन लाइट दिख गई, तो मैंने सोचा ये भी बनवा लेती हूँ। अभी हम बढ़ रहे हैं आगे, हमें जाना है इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे, वहां से लेना है हमें मिक्सर, क्योंकि नीचे वाला मिक्सर खराब हो चुका है और इसके बिना काम नहीं चलता है। और हमें नए वाले रूम के लिए फैन लेना था, और भी कुछ किचन की जरूरतों की चीजें ले ली है, आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी हम चलते हैं आगे। अभी आ गए हैं हम जेड स्क्वायर मॉल में, हमें गौरी से मिलना था। काफी टाइम से हमारी बात होती है इंस्टाग्राम पे, तो हमने कहा मिलते हैं। और जब भी मैं कानपुर आती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, मुझे इतना ज्यादा प्यार मिलता है, हमारी पूरी फैमिली को सबसे मिलके इतना अपनापन सा लगता है कि बहुत खुशी होती है। तो जितना टाइम लग जाए हम आराम से सबसे मिलते हैं। नवीन मार्केट में है इस वक्त, उन्होंने हमें ये कुछ गिफ्ट दिया था। हमने इनकी शॉप से कर्टन्स बनवाए थे, काफी अच्छी शॉप है, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था। रास्ते में ही लवली कलेक्शन करके शॉप है, वहाँ पे डेली वेयर के लिए लूज टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स मिल रहे थे, तो बस हमने वहाँ से वो लिए है। इनके पास ऊपर सूट्स के भी काफी अच्छे कलेक्शन है। और उसके बाद हमने किचन सेंटर से किचन की चीजें ली है, जैसे चॉपिंग करने वाला, प्याज काटने वाला, और जो भी दुनियादारी की चीजें लगती है, सारे काम हो चुके हैं, थकान बहुत चुकी, बेचारे सामान पकड़ पकड़ के परेशान है। आपको सारी चीजें हम घर चल के दिखाएंगे, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। आपकी प्रोग्राम मेरी बेटी मेरे घर में ना देखे, नींद नहीं आई। वॉशरूम के लिए लाइट वाला मिरर लेना था, तो वो हमने यहाँ से ले लिया है। इसका फोटोशूट करना है हर हाल में, और ये सब भी अभी आ गए हैं। अभी बहुत सारा काम है फ्रेंड्स, आज वो सामने पीओपी से उसे फिल कराना है, आज रमजान लग जाएंगे शाम को, सब हो जाएगा, डोंट वरी, काम डाउन काम डाउन। तो ये देखिए मेरा मिरर बनके आ गया है। हमारे रूम में ना एक फुल मिरर नहीं था, उसके लिए हमने यही सिंपल वाला मौधा से ही बनवा लिया है। और ये लाइट वाला मिरर है जो हम कानपुर से लेके आए थे, तो इसकी फिटिंग के लिए आ गए हैं भैया। हर जगह सफाई चल रही है, ऊपर भी और यहाँ किचन की भी सफाई चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, सही से लगा दे, सही बात है, किचन के डब्बे तो हाय कर लीजिए। हाय, रमजान मुबारक कह दो। रमजान मुबारक, इंशाल्लाह कर तो रोजे रहेंगे इंशाल्लाह। हो गया? हाँ, फाइनली हो गया। थैंक यू, जो उन्होंने हमारी बहन का चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, अपना इंस्टाग्राम भी तो बता दो, बाबू मूवी वर्ल्ड। बहुत अच्छी फोटो भी थे, मदा में जिसको फोटो क्लिक करानी है इसे बुलाए। उठ भी नहीं पा रही, उठो, फंस गई बीच में। आप क्या ने से दिखा? दिखा तो मैं दिखा तुम्हारा चांद। आगे आगे देखो, ये आगे देखो,
अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको रमजान मुबारक। चश्मा लगा के आई थी तब भी नहीं दिख रहा था, लेकिन सनी ने आके बताया। मैं तो उम्मीद छोड़ के जा रही थी क्योंकि अजान हो चुकी थी, नमाज भी पढ़ना था। तो चलो खैर, इधर आओ, सब कुछ देखो, इधर आओ, जल्दी आओ, दिख रहा है तुम्हें? हाँ, पेड़ के ऊपर। इस रमजान के महीने की पहली नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको हिम्मत दे, हम सबको ताकत दे और हम सबको तौफीक दे कि हम पूरी नमाजें तरावी के साथ कायम कर सके। अल्लाह सबको अच्छा रखे। और अभी नमाज के बाद आपसे मिलती हूँ कि लेट हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक आपको भी। मेरा बच्चा पहला रमजान। अस्सलाम वालेकुम आप सबको, हम दोनों की तरफ से रमजान की बहुत सारी मुबारकबाद। हम दोनों जा रहे हैं नीचे, मम्मी को और जो भी हम लोग के यहाँ उनको सबको मुबारकबाद देने। चलिए आइए, आपको ही मिलवाते हैं। रमजान मुबारक। अरे अम्मा ने भी मेहंदी लगाई है। अरे वाह अम्मा दिखाओ। अरे वाह, हाँ टाइम रहेगा तो लगवा लूँ। ठीक है। रिजा क्या कर रहे? रिजा अभी वो नीचे है, मैं कराती हूँ। फ्रेंड्स, कुछ सोचा था कुछ हमने सोचा था कि पहले रमजान तक, वैसे रमजान कल पहले, लेकिन आज तक पूरा रूम सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत सारे काम थे, बहुत सारी चीजें थी, अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने शुरू कर दिया है काम। हम आपको सारी चीजें खोल के दिखाते भी जाते हैं और करते भी जाते हैं, और हम सरी तक सब कुछ रेडी भी कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि सरी तक सब कुछ हो जाए, क्योंकि इबादत में खलल ना आए, क्योंकि जिसका मेन मकसद होता है। हो जाएगा, पता करो, हो जाएगा पक्का। ये फोटो शूट वाले अम्मी अम्मा सबके लिए भेजे हैं, सब कल करेंगे। तो अभी घर में फैला हुआ सब ना देखे, तो यहाँ पे हम सारी चीजें डालते जाए। हमारे पर्दे हैं, अभी तो झाड़ू लगाने के बाद खोलेंगे। ब्लैंकेट पिंक वाला का नीचे भेज दिया। और ये हमारी बेडशीट, बेडशीट है। हाँ प्लीज लगवा दीजिए। ये वाली कहाँ लगेगी? लाइट उलझ गई है, देरी में हमेशा देर होती है। कोई देर नहीं होती है, काम तो देखो ऐसा है कि हम लोग बहुत ज्यादा बिजी थे आज, और तुम खुद देख रहे हो सुबह से अपन ने कितना काम किया है। अब इंसान है, मशीन तो है नहीं। स्ट्रेट नहीं लगेगी, थोड़ी झूली हुई लगेगी चांद की तरह। हाँ ऐसे, ऐसे हो जाए। मैं तुम भी तो हाय कर लो। रमजान मुबारक बोलो। रमजान मुबारक। अरे जोर से बोलो। रमजान मुबारक। इधर देख के बोलो जल्दी। रमजान मुबारक। फिर तुमने उधर देखा, उधर कौन है? बोलो आप सभी को, पहले सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को रमजान मुबारक। हाँ यही ना बात, महर भी आ गई थी। अच्छा लगता है महर के आने से, और महर हेल्प भी बहुत सारी करा लेती, जैसे महर अभी समोसे खोल के दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे तुम अपने दोस्त से नहीं मिले सनी अभी तक? रमजान मुबारक। एक लाइट सुलझी तो दूसरी उलझ गई। दुकान वाले भैया भी ऐसे दे देते बिल्कुल कचूमर बना के। बहुत ज्यादा काम है, लेकिन करना भी, क्या करें, डर भी है। क्या डर? फ्रेंड्स पता है वो इलेक्ट्रीशियन भैया बोले मैं आज नहीं लगा पाऊंगा, तो मैंने कहा भाई मेरी बीवी मुझे हलाल कर देगी, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। वैसे इलेक्ट्रीशियन भैया नहीं मान रहे थे कि नहीं अब आज टाइम नहीं है, कल करूंगा कल करूंगा। जैसे सनी ने बोला देखो बीवी वाला मसला है, तो वो भी समझ गए। थोड़ा ये बीच में क्यों इतनी मोड़ी हुई है, ये तो देखो सही लग रही है। रमजान ये बाहर लगवा लेते सनी। इतनी सारी लाइट्स मैंने खरीद तो ली है, अब उसे हर कहीं मुझे ठिकाने भी लगवाना है। सनी को भी लग रहा है कि बेचा ठीक ले आई तो लगवा दूं, तो हर जगह देख रहे हैं कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगी। अब ये क्या पुराने पर्दे झोले में डाल के भेज रहे हैं नीचे, फिर ये जाएंगे धुलने। अब ये कभी लगेंगे नहीं, लगेंगे यानी दोबारा लगेंगे इंशाल्लाह। हम लोग थक गए थे तो शादाब भी आ गया, सच में इरफान भी आ गया यहाँ पे। ये देखो समोसा खा रही लड़की है। अब आपको हम दिखा देते हैं हमारे पर्दे, और फिर इंशाल्लाह जब लगेंगे तो फिर आपको। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, चलो ये वाले कहाँ आएंगे, बीच में आएंगे वाले? हाँ आसपास आएंगे। और तुम कहाँ जाओगी? देखो सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप सबको खिलाओगे पिज्जा। इरफान खिलाएगा सबको पिज्जा। इरफान अभी थोड़े दिन बाद खिलाएगा, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। खुशखबरी आने वाली इरफान के लिए। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक आपको भी। आजा आजा इशारा बोल दो। अरे कमर दुख गई हम लोगों की जी। पहले तो ब्लैक वाला जाएगा, फटाफट जल्दी लिखा कर, अभी टाइम हो रहा है। इतनी दिन बाद
भर मेहनत करने के बाद सारे बाहर के काम फिर घर के काम अब फ्री हुआ था तो तरावी का टाइम। कौन करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में सब कुछ, लेकिन कुछ खा भी नहीं पाए। अब बस नमाज पढ़ के तरावी पढ़ कर रहा हूँ, फिर खाएंगे। तो तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें खिलाऊंगा। अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम मुझे अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, अल्लाह हम दोनों खुश रखे, दुनिया के तमाम लोगों को खुशियाँ दे। और ये माह रमजान का मुबारक महीना है, आप सब लोग जाके इबादत करिए, अल्लाह से अपनी मगफिरत की दुआ करिए, अपने गुनाहों से तौबा करिए, बस। और सब अच्छा लोग खुश रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए। चलो आता हूँ, आराम से ऐसे जाना पड़ता है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज़। पिज्जा ऑर्डर किया था फ्रेंड्स, तो वो नीचे आया हुआ, उसे लेने जाना पड़ेगा क्योंकि मेहर अभी नहा रही है। पिज्जा ले लिया है, अभी हम दोनों बैठ के खाते हैं पिज्जा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कितनी बार सलाम करूंगी? जितनी बार आओगे। नेकी मिलती है रमजान में, तो 70 नेकियां मिलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह दो बार हाफिज साहब ने मुकम्मल कर दिए, दर्द कर रहे थे मेरे। हाँ जब बहुत ज्यादा थक गए। चलो खाना खा लो। इस दलिया की तुम्हें इतना इंतजार था कि ये दलिया लेना है, इसका सामान निकालेंगे। अभी हम आपको ट्रायल लेके भी दिखाएंगे कि इसमें से निकलता है कि नहीं। बॉटल लिए घर के लिए, ये भी देख लेना है। ये डब्बे डब्बियाँ लिए हैं कुछ कुछ रखने के लिए, चटनी बनाएंगे ना कल। हाँ, चटनी है ना। और ये जो नीचे की अलमारियों में शीट्स डालनी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो अभी रात में अपन यूज करने वाले हैं, तो शरबत बनेगा डेली। हाँ। तो बर्फ उसके लिए बहुत जरूरी है, कल से यही पार करना, ठीक है? हमारे ऊपर का डोर मैट 2 सॉफ्ट वाले लिए थे, ये जो बाहर का मेन डोर होता है ना वहाँ पे थोड़ा ऐसे वाला चाहिए था, रबर वाला, तो ये 2 लिए थे, तो इन्हें नीचे ले चलते अम्मा को दे देते हैं। ये हमने ब्लैंकेट लिया था, ये हमने कुशन कवर्स लिए थे, ये अम्मा के लिए भी आया था एके बाटिक की तरफ से उमरा के टाइम पे, तो उनको दे देते हैं। और हमने एक उनके लिए ये कानपुर से खरीदा था उस दिन, तो ये भी दे देते हैं। अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। अभी आधा काम हो चुका है, आधा अभी ये सब खोलने के लिए रखा है, ये 2-3 दिनों की हमारी खरीदारी है। जैसे जैसे यूज में आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको दिखाते भी जाएंगे। ये तो क्या है, जो हमारा आगे वाला रूम बन रहा है उसका पंखा है। और ये हमने लिया है हैंड ब्लेंडर, तो इससे लस्सी वस्सी बनाएंगे या कुछ भी करेंगे तो व्हिपिंग में काम आएगा, अच्छा घूमता है ये। अगर आगे इसमें एक वो लगाना है एक रॉड जैसी वो लगेगी, उसके आगे ऐसे वो बना रहता है तो वो घूमता है, तो वो ये लिया है प्याज काटने के लिए क्योंकि बहुत आंसू आते हैं। ये तो आप सबके पास हो गए लेकिन हमने कभी नहीं लिया था ये। और ये मैंने लिया था बोली। हाँ ये तो निकाल दिया क्योंकि उसने बोला था कि हम दवा के नींबू का रस निकालेंगे, नींबू रस निकालेंगे शरबत बनाने के लिए। हाँ, तो तुम रोजा में नींबू डालोगे। हाँ। लास्ट ईयर मैंने पोल रखा था, आधे लोग कह रहे थे कि रोजा में नींबू नहीं पसंद होता और आधे लोग कह रहे थे कि पसंद होता है। कोई भी चीज़ है भैया, मैं नींबू वाला हूँ तो मैं तो नींबू वाले के साथ जाऊँगा। नींबू वाला भाई साहब ठीक है, देखिए ये जो शीट्स है ये यहाँ पे कल बिछाएंगे, कुछ बेसन घोल के पकौड़ी बनाएगी और बनाऊंगा, तलेंगे हम गुलगुले भजिए, इससे बनेगी पूरी भी। हमारे घर के जितने बड़े बड़े मग होते हैं वो सब यूज करते हैं। ये कटिंग बोर्ड, ये ट्रे, ये जग शरबत के लिए, हमने 2 साइजेस के लिए, किसी का बड़ा भाई इसका छोटा भाई। एक नींबू वाला एक बिना नींबू वाला। कोलैबोरेशन के कपड़े यहाँ पे भी आने लगे हैं। ये हमने दस्तर खान के लिए, अरे ये तो उन्होंने हमें गिफ्ट दिया था। हाँ, तारा सिंह मिला था। अंगूर का पेड़ है, तो जलता नहीं है। नहीं बाहर लिखा था लैम्प, देखो मैं नाम तो मैं ग्रोसरी से लेके आई थी। ये हमारे आगे वाले रूम की लाइट्स है ना, जब लग जाएंगे तब दिखाएंगे आप लोगों को। ग्रोसरी उस दिन खरीदी थी, सनी कह रहा ये भी दिखाओ, जब सब कुछ दिखा तो ये भी दिखाओ। चाय पत्ती ली थी सहरी के लिए, ये क्या ये तलने वाला आइटम लिया था, पॉपकॉर्न ली थी और ये सारे मसाले लिए थे, चीज, और ये चीज फ्रिज में नहीं रखी, वो रख दूंगा खराब नहीं होगी, नहीं होगी। और कस्टर्ड पाउडर लिया था, और ये टोमेटो केचप लिया था, शुगर फ्री मिली थी, अभी सब कह रहे थे कि आपने मेन चीज तो ली नहीं, वो अपन कल लेके आएंगे। अच्छा ये महकने के लिए ओडोनिल, घर को महकाने के लिए, घर अच्छा महकता रहता है तो बहुत अच्छा फील होता है ना, अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए फ्रेंड्स हमने ये भी मंगाए थे, आपने देखा होगा ये बना बनाया आता है, उसके अंदर ये लगाओ सेल, उसके अंदर क्या मतलब बना बनाया आता है ये, उसके अंदर क्या, उसके अंदर अच्छा मैं क्लियर वर्ड्स नहीं बोलती ना, नहीं तो साफ साफ मशीन आती है प्लास्टिक की, उसमें ऐसे सेल लगे होते हैं, उसके अंदर ये रिफिल लगी होती है, अपने आप उसमें टाइमर लगा होता है, कुछ सेकंड के बाद वो
करता है और पूरे घर महक जाता है। और अगर किसी को नहीं पता होता, मेहमान आते हैं तो वो चौंक जाते हैं कि ये क्या है, तो उन्हें बाद में पता चलता है। बहुत बार सनी भी ऐसे हो चुका है रात में कि क्या हुआ, शादी के टाइम मम्मी कई बार हो तो गया, ये सब आवाज कहाँ से आ रही, कुछ आवाज आ गया। अब आपको समझ में आ गया जो हमने पूरा उसको अब आ गया जो कर देता है। हाँ। उसका जो बना बनाया आता है वो तो आता है एक बार, अब जब दोबारा आप बार बार मशीन तो खरीदोगे नहीं। हम जब गए बस हाथ जोड़ो तुम्हारे, बस रहने दो, वो भी पक जाएंगे बेचारे। बस एक सेकंड, बस एक सेकंड। तो हम जब वहाँ पे गए थे ढूंढने के लिए कि रिफिल मिल जाए वहाँ पे, मतलब कानपुर, तो कहीं पे नहीं मिली थी। अच्छा, तुम्हें शर्म नहीं आ रही अंदर से, तो किसी को पका रही हो? नहीं, बस एक सेकंड। तो हम बस सबको, अभी भी एक सेकंड, बस सबको जरूरत की बात बता रहे हैं कि ऐसे नहीं मिलती है, तो अमेजोन पे मिलती है, तो आप ऑर्डर कर देना, आप बार बार खर्चा मत कर। मारो मुझे, मारो पका दिए घंटे, ऐसे करते हैं, ऐसे करते क्या? ऐसे ये खोला, ये लगाया, सेल कहाँ डलते? ये सेल है, चलता है। एक बज रहा है फ्रेंड्स, नीचे जा रहे हैं, सैरी तक जागेंगे। तो कमर हम लोगों की टेढ़ी हो जाएगी। सैरी के लिए देखो आटा गंदा है या गंदा है। अभी मुझे ये वाला ब्लॉग एडिट भी करना है, इसे डालना भी है, और इसके बाद फिर क्या होगा कि हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। डे बाय डे जो सहरी टू इफ्तार का रूटीन होता है ना, फिर वो हम वन बाय वन करेंगे। तुम्हें पता है मैं आज कितना खुश हूँ? क्यों? हमारे रमजान पहले बार सच में अल्हम्दुलिल्लाह नजर नहीं लगे, और बस आप सबकी दुआएं भी इसमें शामिल है, तो आप सबको भी थैंक यू। हम लोग सपने देखा करते थे ना कि कब साथ में, हाँ कब साथ में रमजान करें, कब इफ्तार करें, कब ईद मनाएंगे। हमारे पहले रमजान है साथ में, और सबक कुछ भी बहुत थी, शाम में चांद देखा, नमाज पढ़ी, उसके बाद इसने अपनी अम्मी लोगों से बात की, तो थोड़ा सा उदास हो गई थी ना, थोड़ा सा होता है ना, क्योंकि खुशी भी है, और थोड़ा सा वो मतलब ऐसा था ना, वहाँ से वीडियो कॉल किया तो वो लोग सारे लोग पापा भी बोलते लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा खुशी है। थोड़ा बहुत तो अपने घर वालों की, इतने सालों में जितनी उम्र है हमारी, तब से अम्मी के साथ सबके साथ रमजान करते आ रहे थे, तो पहली बार दूर है तो रहता है। और मुझे ही पता है क्यों, मेरे भी सेम वही फीलिंग है, क्योंकि 5 साल से मैं सऊदी में रमजान कर रहा था। हाँ। तो सबसे दूर था, तुम सबसे दूर था, मम्मी पापा से दूर थे सबसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरे 5 साल के बाद रमजान घर में पढ़ रहे हैं, और वो भी सबा के साथ। तो पहले हम मधा के रमजान करते थे थोड़े बहुत, मतलब ईद से एक हफ्ता पहले आते थे भोपाल से पापा मम्मी सबके साथ भाई के साथ। इस बार ना मुझे वो वाली फील नहीं आ पा रही है, क्योंकि अब ऐलान नहीं होता, एक मैच लगवा दे, ऐलान करवा दे, क्या बोलते थे, बिरादरान इस्लाम, अजी जाने मिल्लत इस्लामिया। हाँ अब बताओ क्या ऐलान हुआ करता था सहरी के टाइम पे? तो बोलते थे बिरादरान इस्लाम, अजी जाने मिल्लत इस्लामिया, सब मेरे सालत के परवानों, सहरी के वक्त हो गया। इतना जल्दी नहीं बोलते थे, आराम आराम से। बिरादरान इस्लाम, अजी जाने मिल्लत इस्लामिया, सहरी का वक्त हो गया है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि 10 मिनट के अंदर अंदर सहरी से फारिग हो। दे दिया कानों में गूंज गई आवाज, तुमने खींच के बोला है ना इस्लामिया। अब मैं अपने बचपन के दिनों में पहुंच गई। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।